हेलो एवरीवन, मैं हूं विधि और आज फिर से मैं लेकर आ गई हूं 5 मिनट मोटिवेशन। ये ग्लास देख रहे हैं आप? यस, ध्यान से इस ग्लास को ऑब्जर्व करिए, फिर मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगी इसके बारे में। कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे कि मैं कॉमन सा हाफ एम्प्टी हाफ फुल ग्लास वाला क्वेश्चन करने वाली हूँ, क्योंकि मैं वो नहीं पूछने वाली हूँ। मैंने ऑब्जर्व करने के लिए बोला आपको ग्लास को किसी और रीजन की वजह से। तो चलिए, अब ग्लास हाफ एम्प्टी एंड हाफ फुल की बात निकली है तो मैं उसके बारे में भी डिस्कस कर ही लेती हूँ पहले। तो अगर आप में से काफी लोगों ने पहले ये नोटिस किया कि ग्लास काफी हद तक खाली है, आधा खाली है, काफी खाली है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप किसी भी सिचुएशन में लाइफ में नेगेटिव एस्पेक्ट को जल्दी देखते हैं, जल्दी पकड़ते हैं नेगेटिव साइड को। और अगर आप में से किसी कुछ लोगों ने ये नोटिस किया होगा कि ग्लास आधा भरा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि आप लाइफ में हर एक सिचुएशन में पॉजिटिव एस्पेक्ट को पहले देखते हैं। ठीक है, तो अब फिर से आ जाते हैं मेरे सवाल की तरफ, ग्लास को ऑब्जर्व करने वाले सवाल की तरफ। आई होप आपने अच्छे से ग्लास को ऑब्जर्व कर लिया होगा। अब मेरा सवाल ये है कि इस ग्लास का वेट कितना होगा, कितना भारी होगा ये ग्लास? आप अज्यूम कर सकते हैं, गेस कर सकते हैं इसका वेट? हो सकता है आप में से कुछ लोग सोचेंगे 100 ग्राम्स, 200 ग्राम्स, 250 ग्राम्स, है ना? ऐसे ही कुछ आप अंदाजा लगा रहे होंगे शायद। पर मेरे हिसाब से ना कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस ग्लास का असली वेट कितना है। ये डिपेंड करता है कि मैं कितनी देर तक इस ग्लास को ऐसे ही पकड़ कर रखती हूँ। अगर मैं सिर्फ 1-2 मिनट के लिए इसे ऐसे पकड़ के रखती हूँ तो बिल्कुल नॉर्मल वेट है, मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मुझे आसानी से मैंने इसे पकड़ा हुआ है। पर अगर इस ग्लास को मैं ऐसे के ऐसे 1 घंटे तक पकड़ के रखूं, फिर क्या होगा? मेरा हाथ दुखने लग जाएगा। और अगर मैं 24 घंटे पूरा दिन इस ग्लास को ऐसे के ऐसे पकड़ कर रखूं, हो सकता है मुझे एम्बुलेंस बुलानी पड़े, हॉस्पिटल चले जाना पड़े। क्यों? क्योंकि बिल्कुल पैरालाइज हो जाएगा मेरा हाथ, इतना ज्यादा पेन होगा, उठा ही नहीं पाऊंगी। सो एक्चुअली टाइम के साथ हो क्या रहा है? क्या इस ग्लास का वेट बढ़ता जा रहा है टाइम के साथ साथ? क्या ये ग्लास टाइम के साथ साथ भारी होता जा रहा है? नहीं ना, तो हो क्या रहा है फिर? सो फ्रेंड्स, मैं आज इस स्टोरी की मदद से आपको सिर्फ इतना ही बताना चाहती हूँ कि हमारी रोज रोज की टेंशन, स्ट्रेस, प्रॉब्लम्स, चाहे वर्क प्लेस की प्रॉब्लम हो, चाहे स्कूल में पढ़ाई या कॉलेज की पढ़ाई या किसी भी तरह की पढ़ाई की प्रॉब्लम हो, पर्सनल रिलेशनशिप इश्यूज हो, अगर आप हर चीज को ऐसे ग्लास की तरह पकड़ के रखेंगे, लाइफ में साथ साथ लेकर घूमेंगे, तो हो सकता है किसी दिन आपको भी एम्बुलेंस बुलाकर हॉस्पिटल जाना पड़ जाए। सो करना क्या है हमें? हमें अपनी प्रॉब्लम्स को सर से उतार कर नीचे रखना सीखना है। जैसे कि मैं इस ग्लास को नीचे ट्रे में रख दूं और इस ग्लास को मैंने छोड़ दिया, रख दिया ग्लास को नीचे, उसी तरह हम सबको सीखना है कि हमारी डे टू डे लाइफ की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, आज मेरे साथ जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी गॉसिप मैंने सुनी, नेगेटिविटी मैंने सुनी, जो कुछ भी हुआ, रात को सोने से पहले मुझे उस हर चीज को अपने साथ सर पे लेके नहीं सोना है, उसको उठाकर नीचे रखना सीखना है। लर्न टू पुट द ग्लास डाउन जस्ट द वे आई पुट द ग्लास डाउन। लर्न टू पुट इट डाउन, लर्न टू पुट ऑल योर वरीज डाउन। अगर आप उसी चीज को रात में अपने साथ लेकर सोएंगे, नेक्स्ट डे कैरी करेंगे, धीरे 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 आपकी प्रॉब्लम्स का वजन भी बढ़ता जाएगा, उसी तरह जैसे कि इस ग्लास का वजन बढ़ता गया। तो क्या आप भी चाहते हैं एम्बुलेंस बुलाकर हॉस्पिटल जाना? नहीं ना, तो फिर फ्रॉम टुडे इटसेल्फ लर्न टू पुट ऑल योर वरीज डाउन बिफोर यू स्लीप एवरी डे। सो फ्रेंड्स, जस्ट स्टे हैप्पी एंड हेल्दी। इफ यू लाइक टुडेज वीडियो, प्लीज शेयर इट। आप यूट्यूब में जब देखेंगे नीचे शेयर का बटन भी होगा, उससे दबाकर आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हैं फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे। सो दैट व्हाट विल हैपन, we want more people to learn to put the glass down, put down all their worries, put down all their tensions. koi bhi nayi cheez jab hum seekhte hain to sirf apne tak kyun rakhe, let us pass it on. and if you are new to my channel, you haven't subscribed, please hit that subscribe button, and next to that subscribe button there is a bell icon, so
सो हिट दैट रिंगिंग बेल सो दैट यू कैन गेट नोटिफिकेशन फॉर ऑल माई न्यू वीडियोज एंड वी कैन स्टे कनेक्टेड. सो फ्रेंड्स, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर.